बच्चों, ये सोडियम का नॉर्मल एटम है जबकि ये सोडियम का एक आयन है। और आज बेसिकली हम उस सवाल को डील करने वाले हैं कि इन दोनों में से ज्यादा मास किसकी होगी। जैसा कि पहले किसी वीडियो में मैंने बताया था कि इन दोनों में से ज्यादा मास इसकी होगी, अब चलिए मैं बताता हूं कि कैसे इसकी ज्यादा मास होगी। जब कॉमन सेंस के हिसाब से देखोगे ना तो आपको लगेगा Na+ है तो इसकी मास ज्यादा होनी चाहिए ना। तो चलिए फिर आज इसी चीज को हम डील करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बता दो, सोडियम में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? जो नॉर्मल सोडियम की एटम होती है उसमें 11 प्रोटॉन्स आपको मिलेंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। फिलहाल न्यूट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो वहां हमें आइसोटोप का भी ख्याल रखना पड़ेगा, और आप जानते हो सोडियम के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, तो इसलिए उस चीज को हम डील ही नहीं करने वाले हैं। अब देखो Na और Na+ में जो मेन फर्क होता है वो क्या होता है, देखो यहां 11 प्रोटॉन्स होते हैं। तो चलिए जल्दी से 11 प्रोटॉन्स हम बना लेते हैं। आप सबको मालूम होगा प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो पहले बना लेते हैं। और अब देखो यहां मैं 11 इलेक्ट्रॉन्स बना लेता हूं, उसके लिए मैंने नेगेटिव सिंबल दिया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ चार्ज को इंडिकेट करता है, आई होप ये तो आपको मालूम होगा। अब देखिए इसी चीज को मैं यहां भी बना लेता हूं। अब यहां इस चीज को भी समझ लीजिए, जब आयन बनता है ना तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है या फिर लूज कर लेता है। अब Na+ का मतलब क्या हुआ, एक बार इस चीज को देख लो। सबसे पहले तो यहां 11 प्रोटॉन हम बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 मैंने प्रोटॉन्स बना लिए। और ये Na+ का मतलब क्या हुआ, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, इसलिए ये Na+ बना लेता है। तो यहां जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो 10 ही होंगे, वो 11 नहीं होंगे। अगर इसकी बात करें तो यहां 11 प्रोटॉन्स तो होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये 10 ही होंगे। तो उसी चीज को देखो मैंने यहां बना लिया, और यही तो वजह है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाता है। देखो इसके ऊपर चार्ज कुछ होता नहीं है, जीरो होता है, क्योंकि 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव मिलकर के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेता है, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। यहां अगर हम देखें तो ये जो ऊपर का 10 है, इससे ऊपर 10 लिखे हुए हैं, ये 11वां है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करके रिजल्ट जीरो दे देता है, यानी कि चार्ज जीरो हो जाता है, और ये जो प्लस अकेले बचता है और यही प्लस यहां आ जाता है। आयन्स वाले केस में ऐसे ही होते हैं, चाहे वो कैटायन की बात करो या एनायन की बात करो। अगर ये कैटायन है बाय द वे, एनायन की बात करें जहां नेगेटिव होता है तो वहां इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, थोड़ा सा ऐड हो जाता है, 1-2 ऐड हो जाता है, सिचुएशन टू सिचुएशन ये डिपेंड करता है। चलिए ये चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा मास क्या होगा, तो अब मास के लिए आपको चार्ज को नहीं देखना है, इसकी टोटल मास कितनी होनी चाहिए। जो भी प्रोटॉन्स के मास होते हैं उसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस आपको ऐड करना होगा। जो भी इलेक्ट्रॉन के मास होते हैं उसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कुछ इस तरीके से टोटल मास निकलेगा। ठीक है, ऐसे AMU वगैरह हमारे पास है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं ज्यादा भारी कौन सा होगा, तो उसी को ध्यान में रख करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को। अब देखो यहां अगर टोटल मास की बात करें तो 11 प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन की मास को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिलहाल तो ये दोनों सेम है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे तो इस बार आप इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करोगे। ये फर्क आप देख रहे हो ना, यहां आपको फर्क मिल रहा होगा। तो इस तरीके से हम ये साफ समझ पाते हैं कि Na+ की मास कम होगी और इसकी मास ज्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा यहां मैं न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा जो मकसद था मैं सिर्फ वो समझाना चाह रहा हूं। अब अगर टोटल मास निकालना है तो जाहिर सी बात है जितने भी इसमें न्यूट्रॉन होंगे उसकी मास को आप ऐड कर लो। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो में जो मैं बताना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप बात समझ चुके हो तो मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। ये क्लोरीन है और ये Cl- है, आपको बताना यह है कि इन दोनों में से ज्यादा भारी कौन होगा, यानी कि ज्यादा मास किसकी होगी। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।